ये वीडियो आप लोगों की कमेंट के अनुसार है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BNMU भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा जो BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करवा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो किस तरह BA पार्ट वन का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियोज बनाया हूँ, जो कि आप चैनल पे जाएंगे और वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। BNMU ग्रेजुएशन पार्ट टू एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रक्रिया हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देख के आप BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आवेदन करने जाते थे इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा था। लेकिन BNMU के द्वारा सभी स्टूडेंट को आईडी पासवर्ड उसके रजिस्टर मॉल पे भेज दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि हमें आईडी पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है या BA पार्ट वन वाला हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे, तो हमारे इसी वीडियोज पे आप लोग का कॉमेंट था कि आईडी पासवर्ड नहीं है, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को शुरू से तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक jisanmonitor.in वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, BNMU ग्रेजुएशन और इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी, सभी तरह के पोस्ट आपको इस वेबसाइट पे मिलते रहेंगे। यहाँ से आप सभी जानकारी को ले सकते हैं बड़ी आसानी से और सभी चीज की लिंक आप यहाँ बड़ी आसानी से एक क्लिक में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पोस्ट पे यहाँ पे BNMU ग्रेजुएशन क्लिक करेंगे तो इस पे भी आपको मिलने वाला है बहुत सारी सुविधा, जैसे कि आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया गया क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है, क्या फी है, क्या कैटेगरी है, मतलब कि क्या चार्ज है, वो सारी चीज, और यहाँ पे क्या ऑनलाइन करने का लिंक, लॉगिन करने का लिंक, सभी तरह का लिंक आपको इस वेबसाइट पे दिया गया है। तो इस पोस्ट का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ताकि आपको इस रीड करके भी आप समझ सकते, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वेबसाइट से studentportal.bnmuums.in की वेबसाइट से आप BA पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है, वो आईडी पासवर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना, इस पोर्टल से भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेकिन आपको आईडी पासवर्ड लेना है। आईडी पासवर्ड लेने के हम आपको दो तरीके बताने वाले हैं। पहली तरीके तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा admission.bnmuums.in की वेबसाइट पे। पहला जो ऑप्शन है वो आप ऑनलाइन अपना आईडी पासवर्ड निकाल सकते हैं, admission.bnmu.umsi.in पे जाएंगे तो यहाँ इस वेबसाइट पे आनेंगे, यानी कि BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। ये दूसरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट का भी लिंक हम अलग से देंगे आपको, और ये वेबसाइट से अपना फॉरगोट आईडी पासवर्ड कर सकते हैं, जिसका URL है admission.bnmuums.in। इस वेबसाइट से अपना आईडी पासवर्ड फॉरगोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे आएंगे, जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉरगोट योर एप्लीकेशन नंबर प्लेस पासवर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का, यहाँ पे डिग्री टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यानी कि PG को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है 12th का रोल नंबर आपको देना होगा, यहाँ पे 12th का रोल नंबर देंगे और 10th क्लास का मार्कशीट का सीरियल नंबर देंगे और 10th क्लास का रोल नंबर देंगे और 10th कौन से साल पास की, वो सारी डिटेल यहाँ पे देंगे। यानी कि पहले बॉक्स में 12th का रोल नंबर, दूसरे में मैट्रिक के मार्कशीट का सीरियल नंबर, तीसरा में रोल नंबर और चौथा में 10th का पासिंग है। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम फटाफट ये सारी डिटेल को फिलअप करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं हमें आईडी पासवर्ड मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप किया और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है पहले जी इंटर वाली सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिटेल, तो ये मतलब कह रहा है बता रहा है डिटेल आपकी जो वो गलत है, तो हमें क्या करना है फिर से ट्राई करना। चलिए हम फिर से ट्राई करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मैंने फिर से ट्राई किया तो यहाँ पे हमारा जो आईडी है जो कि देख सकते हैं जो पासवर्ड वो हमें दे दिया गया है। अब हम इस आईडी पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे आपके सामने और इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे हमने आईडी को पेस्ट कर दिया। अब चलिए हम पासवर्ड यहाँ से कॉपी करते हैं, अब ये हमारा पासवर्ड है, मैंने आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया हूँ। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर डालेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली हमारा जो अकाउंट था जो कि आप देख पा रहे हैं ये लॉगिन हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे समय भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, कब मैंने फॉरगोट किया, कब लॉगिन किया, यानी कि ऑनलाइन भी अपना आईडी पासवर्ड फॉरगोट कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी पासवर्ड ऑनलाइन फॉरगोट किया और उसी आईडी पासवर्ड उसी लॉगिन डिटेल से मैंने ऑनलाइन फिलअप किया था और मैं पिछले वीडियो में इसी स्टूडेंट का मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करके दिखाया था। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन जो है आईडी पासवर्ड को
फॉरगॉट कर लिया। अब दूसरी ऑप्शन की बात करें तो दूसरी ऑप्शन के लिए आप, ये तो पहला तरीका था कि ऑनलाइन अपने आईडी पासवर्ड को फॉरगॉट करने का, चलिए अब दूसरी तरीका की बात कर लेते हैं। दूसरी तरीका, आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि कोर्स कर रहे हैं, उस कॉलेज में आपको जाना होगा अपने इंटर मैट्रिक के मार्कशीट लेकर, और वहां से आपको आईडी पासवर्ड कॉलेज वाले आपको दे देंगे। यानी कि आप ऑनलाइन अगर निकाल पा रहे हैं तो निकाल सकते हैं ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन नहीं निकालना है तो आप ऑफलाइन भी अपने कॉलेज से जाके संपर्क करेंगे और वहां से आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। क्योंकि मैंने BNMU से बात किया तो वो बोले कि आप कॉलेज से भी अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, तो कॉलेज से भी अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, या आप जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके सामने लाइव अपना आईडी पासवर्ड फॉरगॉट करके भी दिखाया हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताएंगे, ताकि हमारा हौसला अब जाहिर होते रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज लाते रहें।